एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके लिए एक पुलाव लाई हूँ, मटर पुलाव, जो बहुत जल्दी और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनेगा। हालांकि ताजा मटर आ गई है, पर मैं फ्रोजन मटर से आपको ये बता रही हूँ। ये देखिए, ये वाला जो कप है ना, ये कप से मैंने एक कप चावल लिया है, जिसको मैंने 35 से 40 मिनट इसको भीगे हुए हो गए हैं, मतलब मिनिमम आप आधा घंटा भिगोइए। घी लिया है, घी में बनाने वाले हैं। 2 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। 3 मैंने टमाटर लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है। 1/2 चम्मच जीरा है, नमक स्वाद के अनुसार है। 1/4 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। और ये मैंने मटर को, फ्रोजन मटर जो है वो भी 1 कप लेके बॉईल कर लिया है। ये इसका टिप है कि आप पहले से बॉईल कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं यमी सी रेसिपी। कुकर गर्म होने रख दिया है। 1 टेबल स्पून हम नापकर घी डाल रहे हैं, ताकि बिगनर्स भी जो है आसानी से बना सके, इसलिए मैं सारा मेजरमेंट आपको बता रही हूं। घी गर्म होने देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें जीरा और इसको भी भूनेंगे, जीरे को भूनेंगे हम। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे प्याज। घी जो है ना, बहुत गर्म आपको नहीं करना है, अदरवाइज वो घी की खुशबू नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत हल्का गर्म होते ही आप ये डाल दीजिए, और साथ में प्याज। घी में धुआं नहीं आना चाहिए। अगर आप तेल में बनाते हैं तो आप तेल में बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि तेल में बनाएं क्या। तो जो भी आप खाते हैं तेल, उसमें बना सकते हैं, बट मुझे ये घी में बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आपको अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। प्याज भुनने की इंतजार करते हैं। अब देखिए, प्याज भुन गई है, हल्का हल्का भुन गया है, और हमें इसे स्लो टू मीडियम पर ही भूनना है। इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी। इसको कुछ ही सेकंड्स के लिए भूनेंगे, एक बार हल्दी का कच्चापन ना रहे, अच्छा कलर आए, और प्याज भी हमें ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस उतना ही पकाना है। हल्दी भून गई है, अब हम डाल देंगे इसमें ये टमाटर। टमाटर डाल दिए हैं हमने, उनके भुनने का इंतजार करते हैं, बट इस बीच हम इसमें डालेंगे नमक। और भाई, पुलाव किसको पसंद नहीं है, सर्दियां आते ही पुलाव की रेसिपीज शुरू हो जाती हैं, और ये मैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से, आपको पहले भी मैंने बताया, बता रही हूँ। ना कोई गरम मसाला है, ना कुछ है, बस सब्जियों के फ्लेवर आएंगे, आप उसको खाकर देखिएगा, बना कर देखिएगा। तो क्या, टमाटर जब तक सॉफ्ट हो जाता है तब तक हम इसको भूनेंगे। आप देखिए, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, देखिए बिल्कुल भी वो नहीं है, साबुत नहीं है, इसमें बिल्कुल मैश हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मटर जो हमने उबाल के रखे हुए हैं। देखिए कितना ग्रीन कलर लग रहा है, और साथ ही साथ 1 सेकंड के लिए हमने इसको भूना है, और साथ साथ हम डाल रहे हैं इसमें चावल। बासमती चावल लिया है मैंने, बहुत खिला खिला बनेगा, इसकी खुशबू अलग ही होती है। इनको मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से करें, चावल टूटे ना। अब हम डाल देंगे इसमें पानी। अब देखिए, मैंने इसमें डबल पानी डाला है, जितना चावल लिया है ना उसका डबल पानी है, और मैंने इस समय ना इसमें नमक टेस्ट कर लिया। ये जो पानी है ना, इसको आप टेस्ट करके देख लें, तो थोड़ा सा हल्का सा तेज रहेगा तो नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो हर एक का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना स्वाद है, उसके अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। कुकर करते हैं बंद, और बंद करने से पहले ना ये थोड़ा सा घी हम इसमें डालेंगे, और इसको ऐसे चला देंगे, बस 1/2 टीस्पून के करीब। एक बार मिक्स करेंगे, अब कुकर बंद करेंगे। जब तक हमारा पुलाव बनता है, हम एक मजेदार सी चटनी बनाते हैं, यमी यमी स्पाइसी। ये देखिए, मैंने ये पुदीना जो है ना अपने गमले में से तोड़ा है, तो मैंने इसकी कुछ पत्तियां ले ली हैं। ये देखिए, 10 से 15 मैंने इसकी पत्तियां ले ली हैं। ये 25 ग्राम के करीब धनिया है, जो एक मुट्ठी कह लीजिए आप स्टेम्स के साथ है। एक बड़ी ये हरी मिर्च है, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। काला नमक लिया है मैंने 1/2 चम्मच, 1/4 टीस्पून सफेद नमक, आप स्वाद के अनुसार यूज कीजिए। 1 इंच अदरक लिया है, 3 लहसुन की कलियां ली है, 1/2 चम्मच जीरा लिया है, और ये है अचार, हींग का अचार, जो बिना तेल के डलता है, मैंने पहले आपको रेसिपी दिखाई है। थोड़ा सा लेंगे पानी, और ये इसको बनाते हैं। तो हमने धनिया डाल लिया है मिक्सी में, ये मिर्च तोड़कर डाल देंगे, और 15-20 ये पुदीने की पत्ती हैं जिनको हमने अच्छे से धो लिया है,
और ये आप सोचिए ऑर्गेनिक है क्योंकि हमने गमले में लगाई है। और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये सारा सामान हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें पानी, थोड़ा सा पानी इस बाउल के अंदर डाल के और हम इसको पीस लेते हैं। और ये देखिए क्या कलर आया है इसका चटनी का, और बहुत स्पाइसी बहुत यमी बनी है। तो इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। दो विसल पूरी आने के बाद, और थर्ड आने वाली थी तब हमने गैस बंद कर दी थी, और ये प्रेशर को अपने आप रिलीज होने दिया। अब हम कुकर खोल कर देखते हैं और ये देखिए कितने बढ़िया ये खिले खिले पुलाव, बिल्कुल परफेक्ट पानी है देखिए। क्योंकि हमने एक बार बीच में चलाया ना तो ये मटर भी आपके सारे ऊपर नहीं है, मिक्स हो गए। तो एक ये टिप है कि जब आप ये बॉईल आ जाए और एक बार चम्मच डाल के घी आप चला दें, एक चम्मच घी डाल के चला दें, तो फिर मटर जो है सारे में मिक्स हो जाता है। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए बिल्कुल खिला खिला बना है, मैंने ये चला लिया है और अब हम डाल के दिखाते हैं आपको। अब देखिए चटपटी हरी चटनी है और ये हमारा पुलाव है, बहुत यमी बना है, बहुत अच्छे से गला हुआ है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।